सारेगामा पा में टॉप 12 के सिलेक्शन के बाद में दोस्तों तीन टीम के बीच में 12 कंटेस्टेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जहां की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सचेत और परंपरा की टीम में कौन कौन से कंटेस्टेंट हैं। वैसे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि सचेत और परंपरा की टीम आपको कैसी लगती है और इस टीम के कौन से कंटेस्टेंट आपके फेवरेट हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं, जिसमें कि पहले कंटेस्टेंट पार्वती मीनाक्षी त्रिवेंद्रम से आई हुई, जिन्होंने कि ऑडिशन राउंड और मेगा ऑडिशन राउंड में अपने बालों में गजरा लगा के जिस तरह का शानदार परफॉर्मेंस किया था, सचेत परंपरा ने पहली बार में ही इन्हें सेलेक्ट कर लिया है। तो वही दूसरे कंटेस्टेंट उज्जवल गजवार दिग्रस महाराष्ट्र से आए हुए, जो कि काफी जॉली किस्म के इंसान है दोस्तों, और ऑडिशन राउंड या मेगा ऑडिशन दोनों ही दिनों में इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया है, जहां की इनके फ्रेंड की फैमिली की एक टोली है पूरी की पूरी, जो कि हर बार इन्हें देखने के और सपोर्ट करने के लिए सारे गामा पर पहुंचती है। तो वही तीसरे कंटेस्टेंट आकाश दुबे गोरखपुर यूपी से आए हुए दोस्तों, जिन्होंने की ऑडिशन और मेगा ऑडिशन में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सचेत परंपरा की टीम में जगह पाई है। तो वही चौथे और आखिरी कंटेस्टेंट रूपेश मिश्रा सिद्धार्थ नगर यूपी से आए हुए, और इन्होंने भी जिस तरीके का धमाकेदार परफॉर्मेंस करके वहां का मौसम ही बदल दिया था, चाहे ऑडिशन राउंड हो या मेगा ऑडिशन राउंड, दोनों ही दिनों में शानदार परफॉर्मेंस किया है और सचेत परंपरा की टीम का हिस्सा बनने में कामयाब हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि इन चारों कंटेस्टेंट में से आपके फेवरेट कौन है। उम्मीद करूंगा वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जिसमें कि आपने इन सारी बातों को जाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सारे गामा पा के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण।